प्रिय विद्यार्थियों, हम अमेरिकी संविधान का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अमेरिकी संविधान का निर्माण किस किस प्रकार से हुआ, इसके संविधान निर्माण में किन किन स्रोतों का योगदान रहा है, इसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। अब संविधान की विशेषताओं से संबंधित PDF नोट्स मैंने आपको अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज चुकी हूँ, जिन्हें आप अध्ययन कीजिए और आपको इसकी विशेषताओं को, इसके मूल लक्षणों को समझने में सहायता मिलेगी। आज हम जो प्रमुख ले रहे हैं अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति का पद। अमेरिकी संविधान में जो कार्यपालिका की शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित है। अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संसार के सबसे अधिक शक्तिशाली राजनीतिक पद है। राष्ट्रपति सरकार तथा राज्य दोनों का अध्यक्ष है। अमेरिकी राष्ट्रपति का पद अंतर्राष्ट्रीय महत्व का भी है। संकट काल में अमेरिकी जनता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नेतृत्व के लिए राष्ट्रपति की ओर ही निहारती है। अमेरिकी राष्ट्रपति के अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का संकेत थियोडोर रूजवेल्ट, वुड्रो विल्सन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, आइजनहोवर तथा कैनेडी के शासनकाल में मिलता है। इन राष्ट्रपतियों ने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से अमेरिकी राष्ट्रपति को सर्वोच्च ऊंचाइयों पर पहुँचाने में योगदान दिया है। अब हम देखते हैं कि अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव प्रणाली किस प्रकार है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अमेरिका की राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, जिनमें पहली है कि वह उम्मीदवार जो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, सबसे पहले है कि वह अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और कम से कम 14 वर्ष तक अमेरिका में रह चुका हो। इसके अतिरिक्त वह पागल, कोड़ी, दिवालिया ना हो, किसी अपराध के सिलसिले में जेल नहीं जा चुका हो। फिर आता है राष्ट्रपति पद की अवधि। संविधान के अनुच्छेद 2 भाग 1 में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का निर्धारित किया गया है। 4 वर्षों से पूर्व राष्ट्रपति को उससे पद से मुक्त नहीं किया जा सकता। केवल इसके 3 अपवाद हो सकते हैं कि वह स्वयं त्याग पत्र दे दे, उसकी मृत्यु हो जाए या उस पर महाभियोग सिद्ध हो जाए। एक व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, 3री बार नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति के लिए अनेक वेतन और सुविधाएं की व्यवस्था भी की गई है। अमेरिकी कांग्रेस को राष्ट्रपति का वेतन या दूसरे भत्ते निर्धारित करने का अधिकार है। वे उसके कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते हैं। इस संबंध में जो भी परिवर्तन करने होते हैं वे नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण से पूर्व ही कर लिए जाते हैं। राष्ट्रपति का वार्षिक वेतन कर मुक्त नहीं है। वर्तमान में राष्ट्रपति को $4,00,000 वार्षिक वेतन तथा $50,000 वार्षिक अन्य खर्चों के लिए दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उसे अन्य वेतन, भत्ते और सुविधाएं भी प्राप्त हैं। वह सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा कर सकता है और उसे अपने निजी उपयोग के लिए वाहन, वायुयान, समुद्री जहाज भी मिलते हैं और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। उसके सरकारी निवास स्थान को व्हाइट हाउस के खर्चे के लिए बजट में अलग से व्यवस्था की जाती है। अब हम देखते हैं कि उसको क्या क्या उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को अपने पद पर रहते हुए अनेक उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं कि उसे किसी भी अपराध के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। महाभियोग के अतिरिक्त किसी भी अपराध के लिए देश के किसी भी न्यायालय में उस पर कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता। यह राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को महाभियोग को किस प्रकार लगाया जाता है या इसको हटाने की क्या पद्धति है। अमेरिकी संविधान में महाभियोग की व्यवस्था है। इसका अर्थ है कि देशद्रोह, घूसखोरी या अन्य गंभीर अपराधों के कारण राज्य के किसी ऊंचे राजनीतिक पदाधिकारी पर कांग्रेस द्वारा चलाया गया मुकदमा। अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रतिनिधि सभा के बहुमत के प्रस्ताव से चलाया जाता है। उसकी सुनवाई सीनेट करती है।
उस समय सीनेट की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। दो तिहाई बहुमत से सीनेट राष्ट्रपति को अपराधी घोषित कर सकती है। अब तक केवल एक ही राष्ट्रपति जॉनसन के विरुद्ध महाभियोग चलाया गया है जो दोषी सिद्ध नहीं हो सके। राष्ट्रपति निक्सन के कार्यकाल में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई और 28 जुलाई 1974 को प्रतिनिधि सभा की न्यायिक समिति ने सिफारिश की कि वाटरगेट कांड के आधार पर राष्ट्रपति निक्सन के विरुद्ध महाभियोग चलाया जाए। फलतः महाभियोग की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व ही निक्सन ने 6 अगस्त 1974 को पद का त्याग कर दिया। 1987 में ईरान गेट कांड को लेकर राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के विरुद्ध महाभियोग लगाने की आवाज़ें अवश्य उठीं, परंतु महाभियोग की कार्यवाही प्रारंभ नहीं हुई। यदि किसी राष्ट्रपति ने घोर अपराध किया है तो उसको हटाने के बाद उसके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति की इस महाभियोग प्रणाली का अध्ययन करने के पश्चात हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अमेरिकी राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण घटना होती है। व्हाइट हाउस में रहने वाले राष्ट्रपति से लेकर गलियों तक के व्यक्ति इसमें बड़ी गहरी दिलचस्पी लेते हैं। इसके लिए राष्ट्रव्यापी प्रचार किया जाता है और करोड़ों डॉलर खर्च किए जाते हैं। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचकों के उस अल्पसंख्यक समूह के द्वारा हो जिसके चयन की विधि राज्यों की व्यवस्थापिकाएं तय करें। इसके अतिरिक्त यह भी तय किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए राष्ट्रपति के निर्वाचकों की संख्या उस राज्य के लिए निश्चित सीनेट के सदस्यों तथा प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या के बराबर होगी। इस प्रकार विविध राज्यों के प्रतिनिधियों से मिलकर उस राज्य का निर्वाचक मंडल का निर्माण होगा जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए जिस शांत वातावरण के अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी वह अब नहीं रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो बहुत अधिक खर्चीला और बहुत अधिक जो है राजनीतिक रंग लिए हुए होता जा रहा है। इसके चुनाव को हम इस कई शीर्षकों में अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले तो है उम्मीदवार का मनोनयन। राष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रथम चरण में देश के विविध राजनीतिक दलों के द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों का मनोनयन किया जाता है। उम्मीदवारों के मनोनयन की यह पद्धति परंपरा के आधार पर अपनाई गई है और इस संबंध में संविधान कुछ भी नहीं कहा है। प्रत्येक दल की राष्ट्रीय समिति अपने अपने दल के सम्मेलन के लिए समय और स्थान का निर्णय करती है और प्रारंभिक व्यवस्था करती है। प्रत्येक दल राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि विभिन्न उपायों के द्वारा चुने जाते हैं, कुछ प्रारंभिक क्षेत्रों से, कुछ राज्य सम्मेलनों से और कुछ केंद्रीय समितियों के द्वारा। इन प्रतिनिधियों की संख्या सामान्यतः 1,500 और 3,000 के बीच में होती है। चुनाव जुलाई या अगस्त महीने में एक बड़े हॉल में संपन्न होता है। सम्मेलन बहुत अधिक उत्तेजना और शोर शराबे के वातावरण में होता है और सम्मेलन में ही दल के प्रमुख नेतागण परस्पर सौदेबाजी करते हैं। दल के उम्मीदवार चुने जाने के लिए आवश्यक है कि वह प्रतिनिधियों के मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त करे। मतदान प्रक्रिया किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त होने तक जारी रहती है और कई बार अनेक मतदान के दौर चलते रहते हैं। इसी क्रम में उपराष्ट्रपति पद का भी मनोनयन कर लिया जाता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों की नामजदगी भी राष्ट्रपति पद के समान ही होती है। अमेरिका में इस संबंध में यह परंपरा स्थापित हो गई है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार न केवल अलग अलग राज्यों वरन अलग अलग क्षेत्रों से होने चाहिए। इसका अर्थ यह है कि यदि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार उत्तरी राज्यों से है तो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार दक्षिणी राज्यों से होना चाहिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्राय कड़ा संघर्ष नहीं होता और शीघ्र ही कोई ना कोई उम्मीदवार स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर इस पद का उम्मीदवार बन जाता है।
इसके पश्चात दूसरा जो चरण आता है इसमें वो है चुनाव अभियान। सम्मेलन समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद के लिए मनोनयन उम्मीदवार के द्वारा दल की एक राष्ट्रीय समिति बनाई जाती है। यह समिति अपना एक प्रधान और कोषाध्यक्ष चुनती है और यह समिति अपने दल के उम्मीदवारों के परामर्श से राज्यों में अपने दल के उम्मीदवार के पक्ष में तीव्र अभियान चलाती है। यद्यपि चुनाव कानून के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव अभियान पर अधिकतम खर्च $30,000 ही हो सकती है, परंतु इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती। चुनाव अभियान में प्रमुख साधन रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र अपने उम्मीदवार के पक्ष में विविध प्रकार के साहित्यों का प्रकाशन किया जाता है। तीसरा जो आता है चरण इसमें वो है निर्वाचक मंडल का चुनाव। निर्वाचक मंडल के लिए अपने उम्मीदवार प्रत्येक दलों के द्वारा खड़े किए जाते हैं। निर्वाचक मंडल के इन उम्मीदवारों को शपथ लेनी होती है कि वे चुने जाने पर वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने ही दल के उम्मीदवारों का मत देंगे। 23वें संशोधन से अब तक निर्वाचन मंडल के सदस्यों की संख्या 538 हो गई है। निर्वाचक मंडल का चुनाव लीप ईयर या चुनाव वर्ष के नवंबर महीने के पहले मंगलवार को या सरकार द्वारा निर्धारित अन्य किसी तिथि को होता है। निर्वाचकों को प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं के द्वारा चुना जाता है। निर्वाचकों के चुनाव और अन्य चुनावों में किन व्यक्तियों को मत देने का अधिकार होगा, इस संबंध में 1970 में मतदान अधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया। मतदाता होने के लिए अब केवल दो योग्यता आवश्यक हैं। प्रथम, संबंधित व्यक्ति की आयु 18 वर्ष की हो और दूसरा, संबंधित व्यक्ति उस राज्य में कम से कम 30 दिन से रह रहा हो। मतदाता होने के लिए अब साक्षर होना आवश्यक नहीं है और 1974 के कानून के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक वित्त की व्यवस्था है। राज्यों के निर्वाचक मंडल का चुनाव सूची प्रणाली के आधार पर होता है, अर्थात मत किसी उम्मीदवार के लिए नहीं वरन दल की सूची के पक्ष में डाले जाते हैं। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता निर्वाचक मंडल चुनाव का चुनाव करते हैं। ज़्यादातर राज्यों में जिला व राज्य स्तरीय पार्टी सम्मेलनों में निर्वाचन मंडल के उम्मीदवारों का मनोनयन होता है। संविधान में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस का कोई सदस्य या अमेरिका में लाभ के पद पर होने पर आसीन कोई व्यक्ति निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं बन सकता। इस निर्वाचन मंडल का कार्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मतदान के एक दिन पूर्व राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मतदाताओं से रेडियो और टेलीविज़न पर अंतिम अपील करते हैं। फिर आता है चौथा चरण निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव। निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव मात्र एक औपचारिकता है, क्योंकि निर्वाचक मंडल के सदस्य लोकप्रिय मतों का आदर करते हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने ही दल के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करते हैं। लेकिन अमेरिकी कानून के अनुसार वे किसी भी उम्मीदवार को अपना मत देने के लिए स्वतंत्र हैं। अमेरिकी इतिहास में ऐसा अनेक बार हुआ है कि किसी राजनीतिक दल के निर्वाचक मंडल के सदस्य ने किसी अन्य दल के उम्मीदवार को अपना मत दिया। बुधवार को निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने अपने राज्यों की राजधानियों में एकत्रित होते हैं और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करते हैं। मतों की गणना की जाती है और प्रमाणीकृत करने के बाद सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाता है। सीनेट का अध्यक्ष कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मतों की गणना करता है और कानूनी तौर पर जीतने वाले व्यक्तियों की घोषणा कर दी जाती है। इसी क्रम में यदि किसी उम्मीदवार को या दो उम्मीदवारों को बराबर मत प्राप्त हों या किसी को भी मतदाताओं को पूर्ण या निरपेक्ष बहुमत प्राप्त न हो, तो प्रतिनिधि सभा सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रथम तीन उम्मीदवारों में से एक को राष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है। प्रतिनिधि सभा जब इस प्रकार राष्ट्रपति को निर्वाचित करती है, तब प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक राज्य का केवल एक ही मत होता है और प्रत्येक राज्य के सदस्य बहुमत से निर्णय लेते हैं। उनके राज्य का मत किसी उम्मीदवार के पक्ष में गिना जाए
यदि किसी राज्य के प्रतिनिधि समान रूप से इस विषय पर बढ़ जाएं तो उनका मत गिना नहीं जाता है। इसके पश्चात पांचवा जो चरण आता है इसमें, वो है नवीन राष्ट्रपति का पद ग्रहण। 1933 के पूर्व तक निर्वाचित होने के लगभग 4 मास पश्चात 4 मार्च को नवीन राष्ट्रपति के द्वारा पद ग्रहण किया जाता था, किंतु 20वें संशोधन 1933 के अनुसार राष्ट्रपति 4 मार्च के बजाय 20 जनवरी को अपना पद ग्रहण करता है। और इस संशोधन में वह यह भी निश्चित किया गया है कि यदि नवीन निर्वाचित राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो उस उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा। पद ग्रहण करते समय राष्ट्रपति को शपथ अपने देश के कल्याण और उसके गरिमा की शपथ लेनी होती है, जो उसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से जो है अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव एक कई चरणों में होकर गुजरता है, कि किस तरह से वहाँ इकाइयों को भी उनके निर्वाचन में अपना वोट देने का अधिकार होता है, निर्वाचक मंडल के द्वारा उनके द्वारा चुनाव किया जाता है। तो ये वहाँ पूरी तरह संघात्मक प्रणाली के अनुरूप ही यह निर्वाचन प्रणाली को अपनाई गई है। धन्यवाद।